नमस्कार दोस्तों, नागौर टोंक में कांटे की टक्कर, बाड़मेर में भाटी बेहाल, देखे फलोदी सट्टा बाजार के ताजा रुझान, राजस्थान में बीजेपी को कितनी सीटों का लॉस हो रहा है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में हार जीत को लेकर फलोदी का सट्टा बाजार है वो भी उसकी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान को लेकर सट्टा बाजार से ताजा अपडेट आया है, क्या आया है जानिए। देश में लोकसभा चुनाव है जो अभी भी जारी है, 7 चरणों में से 5 चरणों के लिए वोटिंग हो भी चुकी है और 2 चरणों की वोटिंग के बाद में 4 जून को नतीजे जारी होंगे। ऐसे में राजस्थान को लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति है जो कैसे रहने वाली है, वहीं बीजेपी को कितनी सीटों का है जो लॉस होगा, ये लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऐसे में हार जीत को लेकर फलोदी का सट्टा बाजार है उनमें भी हलचल है जो फिर से तेज हो गई है। राजस्थान को लेकर सट्टा बाजार से ताजा अपडेट ये आया है, आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार भाजपा का मिशन 25 ब्रेक है जो वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सफल नहीं हो रहे हैं। राजस्थान में भाजपा को कुल 25 सीटों में से 19 से 20 सीटें आने की संभावना है, सट्टा बाजार ने ये उम्मीद जताई है। कांग्रेस और अलायंस में 5 से 6 सीटें आने की संभावना है, इनमें से बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, चूरू आदि सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में बताई गई है, जबकि नागौर और टोंक की सीट है इस दोनों पर निर्दलियों के बीच में है जो कांटे की टक्कर बताई गई है। फलोदी का सट्टा बाजार है उनमें से ये कहा गया है कि कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एवं जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पाली से पीपी चौधरी और अलवर से भूपेंद्र यादव, यहाँ इनकी स्थिति है जो काफी मजबूत बताई गई है। आपको बता दें कि बाड़मेर में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल के भाव 45 से 60 पैसे, रविंद्र सिंह भाटी के भाव हैं जो 1.25 रुपये व मंत्री कैलाश चौधरी के 3 रुपये भाव चल रहे हैं। नागौर में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल का भाव 1.25 रुपये व भाजपा की ज्योति मिर्जा का भाव 60 से 70 पैसा चल रहा है, लेकिन दोनों में जबरदस्त टक्कर बताई गई है। इसी तरह जालौर सिरोही से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र कांग्रेस के वैभव गहलोत की स्थिति है जो काफी कमजोर बताई गई है। आपको ये बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार में जिस कैंडिडेट का भाव है जो सबसे कम होता है उसकी जीतने की प्रबल संभावना अधिक होती है। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपकी नजरों में कौन जीता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर जरूर बताइए। देखते रहिए एसकेजे टीवी, वीडियो को एक बार आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।